तो फ्रेंड ये है 60 और 70 दशक की जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार जी का आलीशान बंगलो और इनका ये जो घर है इसको लेकर बहुत ही अजीबोगरीब सच्चाइयां हैं जो आपको सोशल मीडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको इनके घर के साथ साथ इनकी स्टोरी भी बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय शिवा यूटीन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे हैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के 60 और 70 दशक के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार जी का घर का टूर और उनके बायोग्राफी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ में उनकी फिल्मी करियर कैसी रही है हम सब कुछ कवर करके आपको इस ब्लॉग में जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा एंड मेरे चैनल में आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए पद्मश्री राजेंद्र कुमार जी के चौक के सामने और हमें जाना है इसी रास्ते से राजेंद्र कुमार सर के बंगले के पास। फिलहाल अब वहां पर बिल्डिंग बन चुकी है और ये है नरगिस दत्त रोड और ये सामने वाला जो रोड है इसी रोड से हमें अंदर जाना है। तो चलिए अब यहां से राजेंद्र कुमार जी के घर के तरफ चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग उस गली में आ चुके हैं जहाँ पर जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार जी का वो आलीशान बंगलो था। फिलहाल अब बिल्डिंग बन चुकी है। तो देखिए हमारे सामने आपको जो गेट दिखाई दे रहा है यही है राजेंद्र कुमार जी का आलीशान बिल्डिंग जहां पर पहले बंगलो हुआ करता था। और ये बंगलो अपने आप में एक ऐतिहासिक था और इसकी कहानी एकदम विचलित करने वाली है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है 7 ऑन द हिल। अब इसमें इनके बेटे कुमार गौरव जी रहते हैं। तो फिर जुबली किंग या जुबली कुमार ने इस अवधि की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी अभिनय किया है जिसमें शामिल है आरजू, मेरे हजूर, आई मिलन की बेल। आपको बता दे राजेंद्र कुमार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शुक्ला और उनकी बेटी डिम्पल ने ये आवाज छोड़कर विदेश में समय बिताना शुरू कर दिया था। उनके बेटे कुमार गौरव बंगले से बाहर चले गए थे। उनका जुहू में भी एक फ्लैट है। राजेंद्र कुमार जी के दो बेटियां और एक बेटे हैं। आपको बता दें उनकी बेटी का नाम है काजल तुली। पहले ये बंगला डिंपल यानी कि उनकी बेटी के नाम पर था लेकिन जब उनकी बेटी की शादी हो गई तो इस बंगले का नाम यानी कि इस बिल्डिंग का नाम चेंज कर दिया गया। आपको हम थोड़ा सा जितना हो सके जूम करके अच्छे से दिखा दे। तो आपको बता दे जब राजेंद्र कुमार जी की डेथ हुई थी तो सभी लोग इस बंगले को छोड़कर चले गए थे और ये जगह खाली थी और कभी कभी शूटिंग के लिए इसे किराए पर लिया जाता था। निर्माता टोनी टीनू ने यहां पर अमिताभ बच्चन और डिंपल कपाड़िया के साथ अपनी मिस्ट्री फिल्म हम कौन है की एक बड़े हिस्से की भी शूटिंग की थी और 2006 के टाइम पर दीपक शिव दसानी ने जायद खान और सैलानी जेटली के साथ अपनी फिल्म इडियट की शूटिंग भी यहीं पर की थी। जब ये बिल्डिंग नहीं बना था तब यहां पर एक बंगला हुआ करता था। इस बंगले को वो लोग राजेश कुमार जी की मौत के बाद छोड़कर चले गए थे तो ये अक्सर यहां पर खाली था। तो फिर यहां पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। बंगले को किराए पर लेने का शुल्क 1 लाख रुपए प्रतिदिन था। उस समय आपको बता दे डिंपल थिएटर जिसे अक्सर फिल्मी हस्तियां उसका उपयोग करते थे उसके लिए वो लोग एक टाइम का 10,000 रुपए शिफ्ट का चार्ज देते थे। राजेंद्र कुमार जी के बेटे कुमार गौरव को थिएटर के संचालन को देखने के लिए रोजाना दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के आसपास पाली हिल कार्यालय पर जाना पड़ता था और अधिकांश कर्मचारी जो पिछले 20 वर्षों से इनके साथ रह रहे थे वो सोच रहे थे कि किसी बिल्डर को इनका जो बंगला है उसको बेच दिया जाए लेकिन जो कुमार गौरव जी है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उस समय कुमार गौरव जी के पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति थी तो बिल्डर लोग सोचते थे कि शायद ये हम खरीद सकते हैं लेकिन कुमार गौरव जी ने इस प्रॉपर्टी को बेचने से साफ मना करते रहे और उन्होंने कहा कि हम यहां पर बंगलों को तोड़कर एक ऊंची इमारत बनाएंगे और तभी वो बंगले को गिराकर उसके बाद यहां पर ये बिल्डिंग तैयार की गई है। राजेंद्र कुमार जी इस बंगलों से पहले काटा रोड पर अपने आवास आशीर्वाद में रहते थे लेकिन उन्होंने उसको राजेश खन्ना को बेच दिया और फिर वो पाली हिल में आकर अपने नए घर पर बस गए। राजेंद्र कुमार जी का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। आपको बताते हैं जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति छोड़कर भारत यानी कि दिल्ली आ गए थे। इनकी पत्नी का नाम शुक्ला था और इनका एक बेटा और 2 बेटी हैं। आपको बता दें इनके बेटे का नाम कुमार गौरव है जिसका विवाह राज कपूर की पुत्री रीमा के साथ पहले तय हुआ था लेकिन किसी कारणवश वो रिश्ता टूट गया और उसके बाद उनका विवाह सुनील दत्त और नरगिस दत्त की पुत्री नम्रता जो कि संजय दत्त की बहन है उसके साथ हुआ है। तो फ्रेंड जब राजेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर और पापा कराची और सिंध में कपड़े का बिजनेस करते थे। मतलब राजेंद्र कुमार जी काफी अच्छे घराने से थे लेकिन बंटवारे ने उनका आराम चैन छीन लिया और वो लोग पाकिस्तान में ही अपनी सारी संपत्ति छोड़ इंडिया चले आए। राजेंद्र ने सोचा कि जब इंडिया आ ही गए हैं तो इसके लिए हमें कुछ करना ही होगा तो क्यों ना कुछ ढंग का करते हैं। तो उन्होंने फिल्मों में जाने के लिए सोचने लगे बल्कि हीरो बनने नहीं डायरेक्टर बनने की उम्मीद से। लेकिन पैसे की
इतनी किल्लत थी कि ट्रेन का किराया तक उनके जेब में नहीं था। उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और बेच दी 65 रुपए में। फ्रंटी मेल पकड़ी और अपने सपनों की पोटली लिए मुंबई यानी कि माया नगरी पहुंच गए। उनकी वो घड़ी उनके पिताजी ने गिफ्ट में दिया था। राजेंद्र कुमार जब मुंबई पहुंचे तो यहां पर मशहूर डायरेक्टर एचएल रबेल को असिस्ट करने लगे और इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने राजेंद्र कुमार को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। ये साल 1950 और 55 की बात है। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 1500 रुपया मिले थे और ये फिल्म हिट रही और राजेंद्र कुमार को काफी अच्छा स्टार माना जाने लगा। जब राजेंद्र कुमार भारत आए थे तो उनके पास घर नहीं था मुंबई में रहने के लिए। तो मुंबई में रहने के दौरान जब उन्हें काटा रोड पर एक खाली बंगले के बारे में पता चला तो उसे वो खरीदने के लिए जुट गए। उस घर को लोग उस समय भुताहा भी मानते थे और राजेंद्र कुमार के पास उस समय पैसे की भी कमी थी, लेकिन राजेंद्र कुमार बंगले को खरीदने की जिद पर अड़े हुए थे। इसमें उनकी मदद की B.R. चोपड़ा ने। चोपड़ा ने उन्हें 3 फिल्मों की फीस एडवांस में दे दी जिसमें एक फिल्म थी कानून। इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार जी मानो कि उनकी किस्मत ही बदल गई। उनकी फिल्में लगातार हिट होते चली गई और लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहती, लेकिन अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त आया कि जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलना कम हो गई। वजह, इंडस्ट्री में एक नया लड़का आ गया था, उनका नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की फिल्में अब काफी पसंद की जाने लगी थी। उन्हें सुपरस्टार बनने में अभी कुछ वक्त था। फिर भी राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छा जताई। ये सबको हैरान करने वाला था, लेकिन राजेंद्र कुमार ने अपने काटा रोड वाले बंगले को बेचकर पाली हिल डिंपल सेमन में अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। तो फ्रेंड, राजेंद्र कुमार की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हम आपको बता दें, जैसे कि धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरजू, प्यार का सागर, गहरा दाग, सूरज और तलाश। उस समय इनकी मूवी 25-25 हफ्ते तक चलती थी और इसीलिए इनका नाम जुबली कुमार पड़ गया। और फ्रेंड, देखते ही देखते 12 जून 1999 में इसी बंगले में राजेंद्र कुमार जी की मृत्यु हो गई थी। वो वीडियो आपको YouTube में देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इसी गली के रास्ते से उन्हें ले जाया गया था। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने आपको राजेंद्र कुमार की इस आलीशान बिल्डिंग के साथ साथ जहां पर एक बंगला हुआ करता था पूरा ब्लॉक के साथ पूरी स्टोरी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए एक्टर के घर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको राजेंद्र कुमार जी का घर का टूर और उनके बायोग्राफी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके, बाय बाय, टेक केयर।